गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, कैसे हैं आप सब? आप सब खुश हैं, ठीक है अपने घर में? सो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 था हमारा, दारोज रिवॉर्ड, वो कंप्लीट हो गया था हमारा। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम रिवीजन में उसको कर लेंगे। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि है पेज नंबर 34 पे। आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द जो तारो है वो झरने की डायरेक्शन में क्यों भागा, उस तरफ क्यों भागा? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या था, प्यासा था। उसे बहुत ही ज्यादा क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी। कैसे करेंगे? तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज he was very thirsty, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, प्यासा था, इसीलिए उसने क्या किया, उस डायरेक्शन में भागने। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। तारो के फादर ने कैसे अपनी जो खुशी है वो दिखाई, तो उन्होंने क्या किया था, वो फ्लोर पर ही डांस करने लगे थे। क्या करने लगे थे? तारोस फादर स्टार्टेड डांसिंग आफ्टर ड्रिंकिंग द से। Started dancing in the middle of the floor after drinking shake। ये लिख लीजिए आप, मैं आपको एक मिनट देती हूं इसको राइट करने के लिए। जस्ट राइट डाउन इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड वॉटरफॉल गेव तारो सेक एंड अदर्स वॉटर। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉटरफॉल था, जो झरना था, उसने तारो को तो सेक दिया, बाकियों को वॉटर क्यों दिया, पानी क्यों दिया? क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा विचारशील और वो बहुत ही ज्यादा लविंग सन था, इसीलिए। बस सिंपल सा इसका आंसर है, वॉटरफॉल गेव तारो सेक एंड others
वॉटर बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल एंड लविंग सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्राउन तारो. जो विलेजर्स थे वो क्यों डुबाना चाहते थे, डुबा कर मारना चाहते थे तारो को, क्योंकि उन्हें लगा कि तारो ने उन्हें क्या बोला है, झूठ बोला है, लाए किया है. द विलेजर्स वॉन्टेड टू डाउन तारो बिकॉज दे थॉट दैट तारो हैड टोल्ड देम अ लाई अबाउट वॉटरफॉल. उन्हें क्या लगा कि तारो ने वॉटरफॉल के बारे में क्या बोला है, झूठ बोला है, इसीलिए वो क्या कर चाहते थे, उसे डुबाकर मारना चाहते थे. हो गया यहां तक, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे. व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो. एम्परर ने क्यों रिवॉर्ड किया तारो को, क्यों उसे इनाम दिया. क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्परर थे, व्हाई डिड एम्परर रिवॉर्ड तारो. तारो को इनाम क्यों दिया एम्परर ने, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग सन था. द एम्परर रिवॉर्डेड तारो बिकॉज ही वॉज सो गुड एंड काइंड. वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और दयालु था. तो हमने पांचों क्वेश्चन कर लिए हैं. अब क्वेश्चन नंबर बी है, मार्क द राइट डैम. क्वेश्चन नंबर बी क्या है, मार्क द राइट डैम, यानी टिक या फिर रॉन्ग. टिक या टिक द राइट आंसर होता है, जिसमें हमें राइट आंसर क्रॉस करना पड़ता है, राइट आंसर टिक करना पड़ता है, वो करेंगे. सबसे पहला है, तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज. तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, इसका क्या आंसर है राइट, क्योंकि ही द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो. क्या है इसका आंसर, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो. जो लकड़ी की कीमत थी वो क्या थी, बहुत कम थी. दूसरा है, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. तारो ने डिसाइड किया कि वो ज्यादा पैसे कमाएगा. क्यों, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, नहीं, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम से. क्या आएगा इसका आंसर, बी है इसका आंसर. इसका था थर्ड, इसका है सेकंड, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम से. अब थर्ड है हमारा, द नेबर लेफ्ट तारो हट इन हरी बिकॉज. क्यों गई थी वो भागकर, उसकी झोपड़ी छोड़कर जल्दी से भागती हुई बाहर क्यों गई थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वॉटरफॉल. क्या आएगा इसका थर्ड है इसका भी आंसर, शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट क्योंकि वो पूरे गांव को बताना चाहती थी उस वॉटरफॉल के बारे में. तो
हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया है। आज आप पांचों क्वेश्चन आंसर और ये तीनों टिक डाल करेक्ट आंसर कॉपी में करेंगे और मुझे मेरे नंबर पे भेजेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।